परमम अनुराग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए अरविंदा समेता वीरा रागवा के टीजर का रिएक्शन। ये यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और पूजा हेगड़े जी की मूवी। उससे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। मतलब ऐसे ही हम खुशियां मनाते रहे, ऐसे ही पूरा देश साथ में रहे और यूनिटी में रहे और हमारे जो देश है वो पूरे आगे बढ़ता रहे। हाँ, सबसे नंबर वन बन जाए बस ऐसे। अभी वापस आते हैं, हमारी जो फिल्म अभी रिलीज होने वाली उसके ऊपर, इसका जब से वो फर्स्ट पोस्टर निकला है क्या उनकी वो एब्स लग रही थी और उसका तो मोशन पोस्टर आया था, हमारा मन था उसको रिएक्ट करने पर फिर ऐसा था कि उस पर क्या रिएक्ट करे, तो फिर ये तो बट उनकी जो मस्त साथ में ना छोटी तलवार टाइप कुछ ले रखी थी और फिटर लुक था, वही फिटर देन एवर, एकदम बहुत अलग ही लुक थी और बहुत पावरफुल लुक थी। फिर वो दूसरा पोस्टर फर्स्ट टाइम देखा हमने उनको ऐसे ओपन शर्ट में। हाँ, और ऊपर से फिर वो दूसरा पोस्टर आया, फिर नागेंद्र बाबू उनके बाजू में कार में बैठे हुए थे और वो ऐसे मार रहे ऐसा कुछ, वो नहीं वो बेहोशी में थे नागेंद्र बाबू। अच्छा, अच्छा। और जो एनटीआर जी उनको इमोशनली देख रहे थे, तो वो तो हमने देखा एनटीआर जब जी इमोशनल होते हैं उसके बाद जो धमाका होता है तो बहुत एक्साइटिंग लग रही है फिल्म। ऊपर से फिर उसमें ये भी चीज भी पता लगी, काजल अग्रवाल का एक डांस नंबर भी है इसके अंदर, तो फिर वो पक्का लोकल जैसा वापस आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग। और एक और मैंने देखा था जिसके अंदर ना पूजा हेगड़े जी और एनटीआर जी इधर एकदम दूर दूर बैठे थे और मतलब किसी पत्थर पे ऐसे बैठे थे और वो एक लुक भी सामने आया था उस मूवी का। और उसके डायरेक्टर की बात करें तो त्रिविक्रम श्रीनिवास जी है, त्रिविक्रम श्रीनिवास जी को सब जानते हैं। उनकी जैसे उन्होंने ना मतलब मूवी डायरेक्ट करने के पहले वो राइटर थे, डायलॉग लिखते थे। एक मूवी आई थी 2000 में नूवे कावली, तो उस मूवी में उन्होंने डायलॉग लिखे, उसके बाद उस मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म का दिया गया। और है ना ये मूवीज डायरेक्ट करते हैं, इसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग भी डायरेक्ट करते हैं। इन्होंने एमएस धोनी, विराट कोहली और अपने रामचरण जी के लिए भी एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट किए। और इसके साथ साथ ही इनको है ना 7 डिफरेंट नंदी अवार्ड और 2 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर मिल चुके हैं। किसके लिए? एक तो अथडू और एक अत्रेंटी के दरिदी के लिए। और इसके सिनेमेटोग्राफर है पीएस विनोद जी। अब पीएस विनोद जी को हम किसके लिए जानते हैं? उनकी मूवी मनम और ध्रुवा की सिनेमेटोग्राफी के लिए। वाह, वही तो पूरी फिल्म बहुत पावर पैक लग रही है, तो आप भी टीजर देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। అమేజింగ్ అరౌండ్ చైర్ బిఠాయి హువే ये लेवल है, छोटा सा था ये लेवल है। इस दशहरा ये रहा वो, वाओ मैन, एंडिंग क्या जोरदार थी। और मेनली वो था ना वही, और ऊपर से हमेशा ऐसा था गुंडे सामने से आ रहे थे, हीरो सामने से आ रहा था, ये तो पीछे भाग रहे होंगे। हाँ, गुंडे आगे भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे। अभी वो लास्ट पोस्टर पड़ा हुआ हमारे सामने, ऐसे वो कैसे वो बाहर निकल रहे हैं, तीनों के तीनों भाग रहे और वो एकदम ऐसे उनके पीछे भाग रहे। और जो इस मतलब एंट्री में जो चेयर उन्होंने उठा के डाली है यार, मैं लिटरली देखता रह गया कि चारों तरफ इतनी सारी चेयर पड़ी है और उसमें बंदा ऐसे चेयर को घुमा के उस बंदे के ऊपर जाके बैठा है और फिर ऐसे पैर करके वो डायलॉग बोला। कंट पड्डावा कनिकरिस्ताने वो यंट पड्डाना वही पूरा टीजर तो उनकी पावर के बारे में ही था कि किस तरीके से हर जगह वो पहले तो वो चाकू से हाथ से दिखाया, मतलब छोटा चाकू दिखाया, हाँ, पहले दिखाया हाथ से भरा हुआ, फिर वो हाथ आया, फिर उसके बाद जैसे वो स्टंट वो कर रहे थे वो बहुत जबरदस्त लगा। और ऊपर से ना ये जैसे अपने ना रावणा में देखा है कि इनकी वो भारी आवाज आती है ना, वो अपने को इसमें भी देखने को मिली, जो भारी आवाज में बोलते ना करके, वो मतलब गुंडा साला अगर सुन लेना आवाज तो सुनते कांप जाए वो। और ऊपर से वो वैसे चेयर पे बैठ के ऐसी थोड़ी सी वो साओ जैसी काइंड ऑफ वो चेयर वाली लुक है ना वैसी रख के वो बहुत इंप्रेसिव। और है ना जो बैकग्राउंड साउंड एस थमन जी ने दिया सुपर्ब लग रहा है वो, मतलब वो एक ऐसा होता ना कि वो कोई डेविल टाइप आता कोई बड़ा आ रहा है कि तुम्हें गुंडों को डराने के लिए, वैसा एकदम बेस्ट सॉन्ग दिया इसमें। वैसे ट्रेलर के लिए बहुत एक्साइटेड है कि उसमें पूजा हेगड़े जी का क्या रोल होता है और ये इतने एंग्री क्यों है। जैसे वही नागेंद्र बाबू जी शायद कह रहे थे कि उनके पापा का रोल प्ले कर रहे हैं, इनके पापा का। अच्छा, तो नागेंद्र बाबू इनके पापा का रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, तो वो शायद वो एज वगैरह के कितने यंग लगते हैं मूवी। हाँ, पर ऐसा है कि इनके शायद फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेक्टेड है। अच्छा अच्छा, तो इनके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं तो शायद उनको कुछ किया है तभी उनको मारने जा रहे हैं, तो वो चीज हमें पता लगे। ऐसा टीजर हो ना लिटरली ना मूवी देखने जाए और फर्स्ट डे फर्स्ट हाउसफुल, वही सही में यार। जैसे मैं आप लोग बता रहे हो गीता गोविंदम का ऐसा ही चल रहा है,
तो वैसे ही इसका वैसे पूजा हेगड़े जी की भी तारीफ करनी होगी, जैसे है ना बॉलीवुड में तो उनकी इतनी मूवीज आई नहीं है, बाकी टॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर उनकी कितनी मूवीज अभी महेश बाबू के साथ महर्षि में आ रही है और ये अरविंदा समेत मतलब उनका करियर भी एकदम कंटिन्यूअसली वो भी रोल्स करे जा रहे हैं, वो भी पावरफुल हो, पता है उनका क्या रोल होगा कैसे होगा, और जैसे कह रहे हैं कि नाम के अंदर ही उनका नाम छुपा हुआ है इनका, उनका पूजा हेगड़े जी का नाम अरविंदा है और इनका नाम समेता वीरा रेड्डी है, समेता वीरा रेड्डी है। तो राघवा लास्ट में वो उसका पता नहीं क्या, राघवा का पता नहीं क्या है, बाकी इनका समेता वीरा रेड्डी इनका नाम है। बट कितना वो पावरफुल हो गए उनके, वो साथ में क्योंकि ना जो स्टार्टिंग सीन दिखाया था ना जो चेयर बैठेगा उनमें इनकी एकदम लाइट लाइट बियर्ड थी, और जब ये भागने वाला सीन है इनमें एकदम डार्क भरवा बियर्ड दिख रही है, जैसा मैंने पोस्टर में भी देखा एकदम भरवा टाइप बियर्ड थी, तो ये शायद वो बाद में उनके साथ होता है उसके बाद का वो सीन आया, उस टाइम तो मतलब खुली शर्ट्स पहनी हुई थी तो इतना वो बॉडी पे फोकस नहीं था, लास्ट में पूरा बॉडी यार एकदम मतलब पैक अलग अलग दिख रहे हैं। बहुत जबरदस्त लगा, आप लोग टीजर कैसे लगा, आप लोग भी 9 बजे उठ के देख लिया होगा, हमने भी देख लिया, हमें भी काफी टाइम लग रहा है यार, पर जल्दी निकालो हमारे लिए, पहले निकाल दो फिर आप वापस से डिलीट कर, तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।